डेमन स्लेयर एनिमे सीरीज में हमें क्या सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स देखने को मिली थी, जिनमें से कुछ ऐसी थी जिनके बारे में पहली बार सुनते ही हंसी आ रही थी, जैसे कि लव ब्रीदिंग, और कुछ ऐसी ब्रीदिंग्स थी जिनके बारे में सुनते ही और फर्स्ट टाइम एक्शन में देखते ही गूजबम्स आ रहे थे, जैसे कि हिनोकामी कागुरा डांस ऑफ द फायर गॉड। बट असल में हिनोकामी कागुरा सिर्फ एक पार्ट है, वो कोई ब्रीदिंग नहीं है, इसका रियल नेम कुछ और ही है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और पावरफुल है, और हर एक ब्रीदिंग की ओरिजिन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आस्का एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एंटिक स्थान, जिसमें हम बात करेंगे डेमन स्लेयर के सभी ब्रीदिंग स्टाइल्स के बारे में, फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। What's up with it? You said you want smoke and you was with it, but you on your app like you ducking it. He's a goomba, he's scared of me jumping him. Bitch, whatever, she grabbed me like Play-Doh. Bitch, I'm my guy, call me Kratos. We run together, it's too big to handle. She need a map, Dora Diego. तो breathing techniques क्या होती हैं? तो ये एक कॉन्सेंट्रेटेड ब्रीथ पैटर्न होता है जिससे लंग्स का साइज इंक्रीज हो जाता है और ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से यूज़र की फिजिकल एबिलिटीज़ और मेंटल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती हैं। ब्रीदिंग स्टाइल बहुत सारी होती हैं, जिनमें से मेन फाइव हैं: वाटर ब्रीदिंग, विंड ब्रीदिंग, फ्लेम ब्रीदिंग, स्टोन ब्रीदिंग और थंडर ब्रीदिंग। नंबर 14, लव ब्रीदिंग। तो ये ब्रीदिंग अभी तक हमें सिर्फ लव हाशिरा मित्सुरी यूज़ करते हुए दिखी है बिकॉज ऑफ अ फ्लेक्सिबल एंड एजाइल बॉडी। अब बॉडी फ्लेक्सिबल होने के बाद भी मित्सुरी की मसल 8 times डेंसर है किसी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के कंपेयर में। लव ब्रीदिंग असल में फ्लेम ब्रीदिंग की ही एक ब्रांच है और इसके टोटल 6 forms है, और मित्सुरी को लव ब्रीदिंग रेनगोकू ने सिखाई थी, जो कि एक फ्लेम ब्रीदिंग यूज़र है। नंबर 13, बीस्ट ब्रीदिंग। इस ब्रीदिंग को किंग ऑफ इनोस्के हासिबीरा ने क्रिएट किया था और इसको सिर्फ वही यूज़ कर सकता है। मांगा में भी इसको सिर्फ उसी ने यूज़ किया है। ये ब्रीदिंग यूज़र की पावर एंड सेंस ऑफ टच को इंक्रीज कर देती है। बेसिकली बीस्ट ब्रीदिंग बीस्ट और वाइल्ड एनिमल्स को रिप्रेजेंट करती है, जिसकी वजह से वाइल्ड एनिमल्स की मूवमेंट, अटैक्स और सेंसेस उस ब्रीदिंग यूज़र को मिल जाती है। अब इनोस्के ने माउंटेन पे अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया है, जिसकी वजह से उसकी एक वाइल्ड ट्रेनिंग हुई और वो खुद एक बीस्ट जैसा है। इस ब्रीदिंग के टोटल 11 forms है। नंबर 12, सर्पेंट ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग ओबानाई इगुरो ने वाटर ब्रीदिंग से इंस्पायर होकर क्रिएट की है। ये ब्रीदिंग सिर्फ वाटर ब्रीदिंग के टर्निंग मोशन में ट्विस्ट एंड कर्व्स ऐड कर देती है, जिससे ऐसा लगता है यूज़र बैटलफील्ड में नागिन डांस कर रहा है। साथ ही ये ब्रीदिंग शॉट के बिना भी यूज़ की जा सकती है। ये ब्रीदिंग इतनी ख़तरनाक थी कि इस ब्रीदिंग से अपना माइकल जैक्सन ईटिंग ह्यूमन मुजान की विजसी ने भी एक्नॉलेज किया था। इस ब्रीदिंग में ओपोनेंट पे कहीं से भी अटैक किया जा सकता है, और इसके टोटल 5 forms है। नंबर 11, इंसेक्ट ब्रीदिंग। इस ब्रीदिंग को एनिमे वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट लाइक फीमेल कैरेक्टर शिनोबु कोचो ने फ्लावर ब्रीदिंग से इंस्पायर होकर क्रिएट किया है। ये ब्रीदिंग उन लोगों के लिए है जो फिजिकली वीक हैं, जैसे कि शिनोबु, क्योंकि उसकी बॉडी छोटी है। इस ब्रीदिंग के यूज़र की नेचुरल शोड में विस्टेरिया पॉइजन होता है, जो डीमन के लिए बहुत खतरनाक होता है। इस शोड का एक छोटा सा कर्ट एक डीमन की जान ले सकता है। इस ब्रीदिंग की टोटल 4 forms है। नंबर 10, मिस ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग असल में विंड ब्रीदिंग की एक ब्रांच है। इस ब्रीदिंग को यूज़ करने वाली हाशिरा का नाम है टोकिता। ये ब्रीदिंग सुपर क्विक मूवमेंट्स पे रिले करती हैं। इस ब्रीदिंग का यूज़र मिस क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकता है। 14 years old टोकिता इस ब्रीदिंग में इतनी एक्सपर्ट थी कि कोई और उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक नहीं कर पाता था। टोकिता हमेशा एक बैगी तरह के कपड़े पहने रहती थी, ताकि उसका ओपोनेंट्स उसके लिम्स ना देख पाए, और साथ ही साथ वो ब्रीदिंग स्टाइल को फुल्ली मैक्सिमाइज कर सके। इस ब्रीदिंग के टोटल 7 forms हैं। नंबर 9, फ्लावर ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग सर्पेंट ब्रीदिंग की तरह ही वाटर ब्रीदिंग से इंस्पायर होकर क्रिएट की गई है। मांगा और एनिमे में अभी तक इसको सिर्फ 2 लोगों ने यूज़ किया है, जो कि है फॉर्मर हाशिरा लेट कनाए कोचो, और उनकी डेथ के बाद इसको कनाउत सुयुरी यूज़ करने लगी। इस ब्रीदिंग के टोटल 7 forms है। इस ब्रीदिंग में एक प्रॉब्लम भी है, जो कि ब्रीदिंग का फाइनल फॉर्म है, जो कि है इक्विनोक्टियल वर्मिनलाई। इस फॉर्म को यूज़ करने से यूज़र की एक आई डैमेज हो जाती है, जहाँ कनाओ इसको 2 बार मांगा में यूज़ कर देती है, जहाँ वो सबसे पहले इसको अपर मून 2 डोमा पे यूज़ करती है, और लास्ट वाला बता देने से बहुत बड़ा स्पॉइलर मिल सकता है, तो मैं इसको नहीं बता रही। नंबर 8, वाटर ब्रीदिंग। वाटर ब्रीदिंग उन 5 main ब्रीदिंग्स में से है जो कि ओरिजिन ऑफ ब्रेथ से अराइव हुए हैं, जिनके बारे में मैं आगे बताऊँगी। ये ब्रीदिंग बाकी सारी ब्रीदिंग से आसान है। मांगा और एनिमे में इसके यूज़र्स हैं उरोकोदाकी, यू तोमियोका, साबितो, मुराता, माकोमो और तांजिरो कामातो। इसके नॉर्मली 10 main forms है और 2 sub forms हैं, बट हमारे यू तोमियोका 11th form यूज़ करते हैं, जिसका नाम है डेथ काम।
नंबर 7 साउंड ब्रीदिंग। इस ब्रीदिंग टेक्निक को टेंजन नूजी ने क्रिएट किया था थंडर ब्रीदिंग से इंस्पायर होके। ये ब्रीदिंग बाकी सारी ब्रीदिंग से बहुत अलग है। इस ब्रीदिंग में यूज़र की शॉर्ट स्किल के साथ उसकी हियरिंग कैपेसिटी भी तेज होनी चाहिए। इसकी हेल्प से यूज़र अपने ओपोनेंट का नेक्स्ट स्टेप को प्रेडिक्ट कर सकता है। टेंजन इस ब्रीदिंग में इतने मास्टर थे कि पूरे डेमन स्लेयर कॉर्प में इस ब्रीदिंग को बहुत खतरनाक माना जाता था। और इसके टोटल 5 फॉर्म्स है। नंबर 5 थंडर ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग भी उन 5 मेन ब्रीदिंग में से एक है। हाँ, अभी तो बहुत बार नाम ले चुकी हूँ इन सबका। इसको अभी तक सिर्फ 3 लोगों ने यूज़ किया है, जो कि है फॉर्मर हाशिरा जिगोरो कावाजिमा, काइगाकू और जेनित्सु। बट जो यूज़र इस ब्रीदिंग को अपने एक्सट्रीम लेवल पे ले गया है वो है जेनित्सु। जी हाँ, अभी तक हमें जेनित्सु सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हुए दिखा है, बट मांगा में उसने अपना खुद का एक फॉर्म बना दिया था। इसका टोटल 6 फॉर्म है और एक नया 7th फॉर्म है जिसे जेनित्सु ने यूज़ किया था। इसका एक अमेजिंग और ख़तरनाक सब फॉर्म भी है, जो कि है गॉड स्पीड। इसको यूज़ करने से यूज़र बहुत तेज़ी से भाग सकता है, बट एक यूज़र गॉड स्पीड को सिर्फ 2 बार ही यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसको एक बार यूज़ करने से यूज़र का एक लेग डैमेज हो जाता है, इसलिए इसको 2 बार ही यूज़ किया जा सकता है। नंबर 4 विंड ब्रीदिंग। ये बहुत ही अमेजिंग ब्रीद है। ये सबसे ज़्यादा इरेक्टिव और अनप्रिडिक्टेबल है, और ये सुपर क्विक स्लैसेस पे डिपेंड करता है। साथ ही ये मल्टीपल ओपोनेंट्स पे बहुत यूज़फुल होता है, और ये भी उन 5 मेन ब्रीद में से एक है। इसको अभी तक केवल एक यूज़र ने ही यूज़ किया है, जो कि है सेना की सिनोजुकोवा, और इसके टोटल 9 फॉर्म्स है। नंबर 3 स्टोन ब्रीदिंग। इसको सबसे स्ट्रॉन्ग हाशिरा गियोजी हिमिजिमा यूज़ करते थे। ये भी 5 मेन ब्रीद में से एक है। ये इसमें इतने एक्सपर्ट थे कि इन्होंने अपर मून 1 को टक्कर दी थी। ये ब्रीद पावरफुल ब्लोज पे डिपेंड करती हैं। साथ ही ये यूज़र की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी और इंडोरेंस बढ़ा देती हैं। और अगर किसी यूज़र को ये ब्रीद यूज़ करना है तो उसे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को ह्यूमन बॉडी के पीक पे रखना होगा। यानी कि जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है उसे ये ब्रीदिंग यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस ब्रीदिंग के टोटल 5 फॉर्म्स है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, अगर आप बहुत ज़्यादा डेंजर स्पॉयलर नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो को यहीं रोक दें, क्योंकि यहाँ से भर भर के बहुत सारे स्पॉयलर मिलने हैं। सो नंबर 2 मून ब्रीदिंग। इस ब्रीदिंग को ओरिजिन ऑफ ब्रीद यानी ब्रीद ऑफ सन यूज़र योरिची के ब्रदर ने क्रिएट किया था, जो कि ब्रीद ऑफ सन यूज़ नहीं कर पाया था और आगे चल के एक डीमन बन गया, जिसके बाद डीमन स्लेयर कॉर्प से योरिची यानी ब्रीद ऑफ सन यूज़र को निकाल दिया गया, इसलिए क्योंकि वो मुजान को नहीं मार पाया था। जी हाँ, योरिची भी मुजान से फाइट कर चुका है, और वही एक ऐसा डीमन स्लेयर था जिसने मुजान से सबसे पहले फाइट किया था बट मार नहीं पाया था, जिसकी वजह से उसको कॉर्प से निकाल दिया गया। इस ब्रीद की सबसे खास बात यह है कि इसके स्लैसेस पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्लैश को ब्लॉक करने से रोकता है, और इसके सबसे ज़्यादा फॉर्म्स है। इसकी टोटल 16 फॉर्म्स हैं। नंबर 1 ब्रीद ऑफ सन, जिसे सभी ब्रीदिंग टेक्निक्स की ओरिजिन के नाम से भी जाना जाता है। तो जिस ब्रीदिंग को अभी तक हम हिनोकामी कागुरा के नाम से जानते थे वो एक्चुअल में ब्रीद ऑफ सन है। यही थी ओरिजिन ऑफ ब्रीद। इसको योरिची ने क्रिएट किया था, और उसके बाद ये ब्रीदिंग उसके डिसेंडेंट्स को पास होती गई, जिससे ये साफ पता चलता है कि तांजिरो उसका डिसेंडेंट है। इस ब्रीद को अभी तक सिर्फ कामादो फैमिली ने ही यूज़ किया है, क्योंकि कोई कामादो फैमिली जितना टैलेंटेड नहीं था, और योरिची को लोग सबसे पावरफुल डीमन स्लेयर मानते थे। इसके टोटल 13 फॉर्म्स हैं, और इसकी सबसे ख़तरनाक फॉर्म जो कि योरिची ने मुजान के ऊपर यूज़ की थी, जिसके बारे में मुजान भी बोलता है कि उस ब्रीद के मिले हुए घाव से वो आज भी उभर नहीं पाया है। जहाँ जहाँ उसको उस ब्रीद के स्लैश पड़े थे वहाँ पे अभी तक निशान हैं, और उसे दर्द भी महसूस होता है, जो कि हज़ारों साल पहले योरिची ने मुजान को दिए थे। उस फॉर्म का नाम है ब्रीद ऑफ सन 13 फॉर्म। तो ये थी एक वीडियो जिसमें हमने जाना डीमन स्लेयर के सभी ब्रीदिंग स्टाइल्स के बारे में। अब आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपका फेवरेट ब्रीदिंग स्टाइल कौन सा है। अब अगर आप डीमन स्लेयर सीजन 2 यानी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट 8 के प्लॉट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही कॉन्टेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंटिक स्थान। Say, do you love me?